गायत्री परिवार हरिद्वार द्वारा आयोजित भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा का परिणाम और पुरस्कार वितरण आज गायत्री मंदिर में सानंद संपन्न हुआ। इस अवसर पर खरगोन बड़वानी सांसद गजेंद्र सिंह, पूर्व राज्य मंत्री बालकृष्ण पाटीदार और गायत्री परिवार के विभिन्न सहयोगी सदस्यों सहित बड़ी संख्या में शिक्षक, पालक, छात्र छात्राएं उपस्थित थे। ज्ञात रहे वर्ष 1920 में आयोजित इस परीक्षा में जिले भर के 37,000 विद्यार्थियों ने परीक्षा में भाग लिया था। उसका पुरस्कार वितरण आज सानंद संपन्न हुआ। पुरस्कार वितरण के अवसर पर प्रशस्ति पत्र, स्मृति चिन्ह भेंट करने के साथ समस्त आगंतुकों के लिए भोजन प्रसादी का भी आयोजन रखा गया था। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। और यह युग संत सनातन धर्म का युग है। इस युग को बढ़ाने वाले मेरे सभी प्यारे बच्चों, मेरी बिटिया और बहनों, मैं थोड़ी देरी से आया, इसके लिए माफी चाहता हूँ, क्योंकि मुझे फोन पर सूचना मिली कि इस प्रकार का आयोजन है और हमारे ऋषियों ने जो दुनिया को दिया उस भारत में है। लेकिन भारत का दुर्भाग्य कि भारत लंबे समय तक गुलाम रहा, 700 वर्षों तक मुगलों का गुलाम रहा, लगभग 175 वर्षों तक अंग्रेजों का गुलाम रहा, 975 वर्ष। और ये 975 वर्षों में भारत ने अपनी सारी क्षमताएं खो दी, हमारा ज्ञान, हमारी ऊर्जा, सब। क्योंकि गुलाम का कोई विचार नहीं होता। और गुलामी तो तुलसीदास जी ने रामायण में कहा है, पराधीन सपने उस दिन है। सपने में भी जिसको सुख की अनुभूति नहीं होती वो होती है गुलामी। हम तो स्वतंत्र भारत में जन्म हुआ, लेकिन जो गुलाम भारत में है, जिनका जन्म हुआ, उन्होंने जो भोगा है वो उसको हम पढ़ रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।